हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु सरकार और आज मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोलिक ऑयल को कब चेंज करना चाहिए। दोस्तों, हाइड्रोलिक ऑयल को कब चेंज करना चाहिए, कब चेंज करें, यह एक इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल डिसीजन होता है एक इंजीनियर के लिए, टेक्नीशियन के लिए या फिर किसी भी हाइड्रोलिक मशीन के ओनर के लिए यानी कि मालिक के लिए। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हाइड्रोलिक ऑयल को कब चेंज करना चाहिए, कब हाइड्रोलिक ऑयल को चेंज करें। दोस्तों, किसी भी हाइड्रोलिक मशीन के लिए हाइड्रोलिक ऑयल का जो विस्कोसिटी होता है वह बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और ऐसा बहुत सारा पैरामीटर्स होता है जिसके ऊपर यह डिपेंड करता है कि आपका जो हाइड्रोलिक ऑयल है वह यूज करने के लायक है या नहीं। दोस्तों, अगर आपके हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर पार्टिकल्स कंटेमिनेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर आपका हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर पार्टिकल्स कंटेमिनेशन का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पार्टिकल्स कंटेमिनेशन का मतलब होता है कि डस्ट, डर्ट, वियर पार्टिकल्स, वियर डेब्रीज इत्यादि का मात्रा अगर आपके हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप हाइड्रोलिक ऑयल को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन करके आप हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर से पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं और हाइड्रोलिक ऑयल को दोबारा यूज कर सकते हैं। और अगर आपके हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर पानी, मॉइस्चर इत्यादि का मात्रा बढ़ गया है तो आप हाइड्रोलिक ऑयल को फिल्टर करके या फिर वैक्यूम डिस्टिलेशन करके आप हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर से मॉइस्चर और पानी को रिमूव कर सकते हैं और अपना हाइड्रोलिक ऑयल को दोबारा यूज कर सकते हैं। पर अगर आपने सही समय पर हाइड्रोलिक ऑयल में से वाटर, मॉइस्चर और पार्टिकल्स को रिमूव नहीं किया तो आपका हाइड्रोलिक ऑयल का इमल्शन हो जाएगा और जिसके वजह से आपका हाइड्रोलिक ऑयल का विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, हाइड्रोलिक ऑयल का ऑक्सीडेशन होना तेजी से बढ़ जाएगा, हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर एसिड वैल्यू बढ़ जाएगा और हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर सेडिमेंट का फॉर्मेशन होगा। ऐसा कंडीशन का जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है वह हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा घातक होता है। ऐसा हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम में यूज नहीं करना चाहिए या सिस्टम को पूरा डैमेज कर देता है। सबसे पहले तो आपका पंप खराब हो जाएगा और बाकी भी पार्ट्स खराब हो जाएंगे। अगर आप चाहो भी तो ऐसे हाइड्रोलिक ऑयल को फिल्टर भी नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन करने जाओगे तो आपका फिल्टर चौक हो जाएगा, फिल्टर का मेश चौक हो जाएगा और फिल्ट्रेशन भी पॉसिबल नहीं होता। और एक्चुअली ये जो हाइड्रोलिक ऑयल है यह इसका केमिकल प्रॉपर्टी पूरा चेंज हो जाता है, इसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा चेंज हो जाता है, यह यूज करने के लायक नहीं होता है। ऐसे हाइड्रोलिक ऑयल को चेंज करना ही एकमात्र उपाय होता है। तो हाइड्रोलिक ऑयल को चेंज करते वक्त एक बात का ध्यान जरूर रखें कि हाइड्रोलिक ऑयल टैंक में से पूरा निकाल दे और हाइड्रोलिक टैंक को अच्छे से क्लीन कर दे और हाइड्रोलिक सिस्टम को फ्लश कर दे ताकि हाइड्रोलिक ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर कंटामिनेटेड हाइड्रोलिक ऑयल न बच जाए। तो आप जब भी पूरा हाइड्रोलिक ऑयल निकालोगे और टैंक क्लीन करोगे उसके बाद ही नया ऑयल को रिफिल करें और हाइड्रोलिक सिस्टम को चलाएं। हाइड्रोलिक ऑयल को कब चेंज करना चाहिए और हाइड्रोलिक ऑयल को चेंज करते वक्त कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए यह आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।